मैं सिर्फ राजन पांडे की पत्नी नहीं बल्कि आप सबकी पत्नी बन के शहर में। इस उम्र में भी राजन के नाना के प्यार में कोई कमी नहीं आई है। नहीं नहीं पुलिस नहीं, पुलिस नहीं, उसके चक्कर में हमारे बेटे की जान चली जाएगी, इसलिए जाने दो उन्हें जहाँ जा रहे हो। और हमारी बहन? तुम्हारी बहन के चक्कर में तो ये सब कुछ हो रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर, उदय प्रताप पांडे का हत्यारा पकड़ा गया। पुलिस विभाग इसे अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बता रही है। इस मुजरिम को आज अदालत में पेश किया गया। उदय प्रताप के बड़े भाई और प्रदेश के जाने माने नेता वीर प्रताप पांडे ने इस गिरफ्तारी पर प्रसन्नता व्यक्त की है और पुलिस विभाग की सराहना की है। कहा यह जा रहा है कि इस केस में पुलिस विभाग की तत्परता से 24 वर्षीय मुजरिम जिसका नाम अल्ताफ है, इसे इलाहाबाद चौक थाने के मोहल्ला तकिया पर छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि इस घटना पूरी मुस्तैदी के साथ छानबीन की जा रही है। तो तुम सच में नाराज हो, बात नहीं करोगे मुझसे? ठीक है तो मैं भी जा रही हूँ इलाहाबाद उस छुचुंदर राजन से प्यार करने के लिए, और उसके साथ वो सब करूंगी जो तुम्हारे साथ करती थी। छोड़ मुझे, बहुत मत लगा, किसी की होने वाली बीवी हूँ मैं, समझा ना? आया बड़ा से कहा हुआ, जूलिया आज इतने गुस्से में क्यों जा रही है? गुस्से में नहीं मामी, आज तो बहुत खुश है वो। सर इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे भाई का हत्यारा पकड़ा गया है और हमें प्रदेश की पुलिस पर गर्व है, और अब इस खुशी में हमें भी शामिल होना है। नमस्कार दोस्तों, हम आज शहीद उदय प्रताप की मूर्ति का अनावरण करने के लिए ही नहीं आए हैं, बल्कि मैं आज आपसे उस बच्ची को मिलवाने लाया हूं जो इस महीने की 24 तारीख को हमारे घर की बहू बनने वाली थी। ये बिटिया आपके दरबार में अपनी गुहार लेके आई है, तो जोरदार तालियों से और दो बूंद आंसुओं से स्वागत कीजिए जूली शुक्ला का। प्यारे प्रयागवासियों नमस्ते। मैं सिर्फ राजन पांडे की पत्नी नहीं, मैं सिर्फ राजन पांडे की पत्नी नहीं बल्कि आप सबकी पत्नी बन के शहर में। पत्नी नहीं बेटा, बहू बहू बहू, बल्कि आप सबकी बहू बनकर इस शहर में आना चाहती हूँ। और राजन मेरी मांग में सिंदूर तभी भरेंगे जब वो अपने चाचा के सपने को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र के विधायक बन जाएंगे। इस क्षेत्र के विधायक राजन पांडे से ही शादी करूंगी वरना नहीं करूंगी। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उस इंसान से जिसके बेटे ने सलाउद्दीन के कहने पर हमारे भाई का कत्ल किया। आइए इस्लाम भाई। बोलिए जो सच है। मैं दिल से इस बात को कबूल करता हूं और तस्लीम करता हूं कि मेरे बेटे ने उस कमजर्फ सलाउद्दीन के बहकावे में आकर उदय प्रताप जैसे नेक दिल इंसान का बेरहमी से कत्ल कर दिया। मैं
आप लोग जरा। जी सर। बैठ। खाना खाएगा? नहीं। तू यहां अचानक? हमारा गुनाह किसी ने अपने सर पे क्यों ले लिया? तो लेने दे, तुझे इससे क्या? उदय प्रताप को मारने की सुपारी किसने दी थी? तूने आज तक मेरे लिए इतने काम किए, ऐसा सवाल तो कभी नहीं पूछा। लेकिन आज जानना है। तू अपने बाप को मारेगा? बाप करेगा तो बाप भी मरेगा। जो मरा वो तेरा रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदार तो आप भी नहीं है पाठक जी, लेकिन आपको बाप मानते हैं ना। सारे रिश्ते अल्लाह मियां पेट से जोड़कर नहीं भेजता है, कुछ को बाद में भी यही बनाता है, जैसे आप और जैसे वीर पांडे। तो लेके चलिए हमें उनके पास। तुम एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे ना, तो क्यों घुस रहे हो वापस उस दलदल में? हमारी अच्छी जिंदगी की चाबी पांडे के पास ही है पाठक जी। तुम्हारे काम की जितनी तारीफ की जाए कम है, बहुत सफाई से चलते हैं हाथ तुम्हारे। और आपका दिमाग? मतलब एक ही गोली से भाई और सलाउद्दीन दोनों को सलटा दिया। तुम्हें क्या चाहिए? नौकरी अच्छे से काम करना पड़ेगा। यहाँ बंदूक चलाने आती है ना तुम्हें? कोई बात नहीं, सीखनी पड़ेगी। देखो अलग अलग बंदूक चलाने का अलग अलग तरीका होता है, सब टेक्निक समझा देंगे हम, एकदम फॉरवर्ड कर देंगे। हेलो अम्मा, ये हमार होने वाली बहुरिया है और ये हमार अम्मा राजन का नानी। अम्मा तुम तनिक बतिया, हम अपना काम निपटा के आते हैं। सदा सुखी रहो बेटी, तुम दोनों का प्यार बना रहे। राजन अपने नाना की तरह है, इस उम्र में भी राजन के नाना के प्यार में कोई कमी नहीं आई है। आज चारपाई पकड़ लिए हैं, फिर भी प्यार उतना ही करते हैं जितना शादी के समय करते थे। अरे वाह नानी, अभी करते हैं क्या हुआ? बहुरिया है कि एटम बम? चल इधर बैठ। इस घर की होने वाली बहू है। अच्छा फिर तो एक सलाम बनता है। अरे क्या हो गया भाभी? सुनिए तो भाभी, कहाँ जा रही है? सलाम। तुम? हाँ। अरे वाह, तुम तो आते सबकी भाभी बन गई, कमाल है। हाँ तो? कुछ नहीं, बढ़िया, मुबारक हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखने आया हूँ कि उस चिरकुट की बीवी बनने के बाद तुम कैसी लगोगी, और ये भी कि एक लड़की अपने आप को कितने हिस्सों में बांट सकती है। मैडम को जानते हो क्या? नहीं, बस जानने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, चलो काम बताता हूँ। अरे मिर्जा, तू यहाँ कैसे? बे नौकरी मिली हमें यहाँ। हाँ सही है। अरे राजन, ये मिर्जा। अच्छा है, अब तू यहाँ होगा तो जूली का मन भी लगा रहेगा, भाई कोई तो होगा उसके मायके का, और वैसे भी तू तो उसके भाई जैसा है। हम जरा काम समझ लेते हैं। हाँ समझो, काम समझो। अरे वाह गुरु, तुम्हारी तो अच्छी जान पहचान है, हमें यूँ ही बेकूफ बना रहे थे।
ये नीचे वाला कमरा जो है हमारे मम्मी पापा का है, पीछे नानी रहती है, और ये जो है हमारा कमरा है। इसी कमरे में हमारी पैदाइश हुई और यहीं हम बड़े हुए हैं। और अच्छा, तो ये है आपका कमरा? जी जी हाँ, ये हमारा कमरा है। इतना बड़ा दरवाजा दिख नहीं रहा आपको, इतना बड़ा कमरा? आइए, हम आपको विजिट कराते हैं। हाँ आइए। ये है हमारा कमरा और ये हमारा, अब तो आपका भी आइए ना, कैसा लगा? अच्छा है, बाहर चले। अरे सुनिए ना, आपको कैसे पता कि बिना लेटे की बच्चा है या नहीं? एक बार लेट कर तो देखिए। धर्मराज हमारा रेप किया है। सबको निकालो बाहर। चलिए 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 बाहर निकलिए, चलिए चलिए जल्दी चलिए, चल निकलिए बाहर, चल निकल, प्लीज निकलिए, नहीं जल्दी। ए जूली, जूली, अरे ये क्या बकवास कर रही है जूली? हाँ बकवास नहीं, हम थाने जा रहे हैं इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने। जूली अंदर चल के बात करते हैं। आप इस घर के अंदर नहीं जाऊंगी, थाने जाऊंगी, मुझे इस राजन पांडे को सबक सिखाना है। अरे बेटा अच्छा चल, घर चल के बात करते हैं। धर्मराज मुझे घर नहीं, मुझे थाने जाना है अभी। ए जूली क्या नाटक कर रही तू, चल कर चल, मुझे नहीं जाना। ये जो कह रही है वो सुना नहीं क्या आप लोगों ने? एक लड़की की आबरू लुट गई और वो सरेआम चीख चीख कर कह रही, तुम भाई होकर भी उसे दबाने की कोशिश कर रहे हो। ए मिर्जा तू हमारे मामले में टांग मत अड़ा, चल निकल। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, अब हमारा भी मामला है। अबे तू क्या करेगा, अबे क्या करेगा? अरे मिर्जा छोड़ छोड़ मेरे बेटे को। हमें उसकी परवाह नहीं, आप हट जाइए सामने से। नहीं हटूंगा, मारना है तो मुझे मार। पाठक पापा, इसने जूली की इज्जत लूटी है। नकुल जी भैया गाड़ी निकालो, चल जूली। धर्मराज हम इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखानी है, नहीं तो ये लोग मिर्जा को मार देंगे। धर्मराज हमें जाने दो, और छोड़ो हमारा, वो लोग उसे मार देंगे। जूलिया की इज्जत की इतनी परवाह क्यों है? मैं तुम्हें ले जाओ इसे और बंद कर दो अंदर, हमें सब बाद में निपटते हैं। वाह पापा, हे हे।
पास आ गया। तुमसे बोला था हुआ नहीं तुमसे यहाँ कुत्ता। सुनिए पापा। पुलिस में FIR लिखवाइए कि सलाहुद्दीन का आदमी मिर्जा हमारे इकलौते गवाह इस्लाम कुमार के फरार हो गया। अभी तक नाराज है हमसे? अपने भैया से बात नहीं करेगी? अभी हम रोने लगेंगे तो तुम्हारे स्टैचू बोलने पर भी नहीं रुकेंगे। हम तुम्हारे दुश्मन थोड़े ना हैं। आ जा हमसे बात तो कर। राजन को मना किए थे फिर भी उसने। अरे कुत्ता है वो पांडे का लौंडा। हम तो खुद ही चढ़ते थे राजनवा के तो, पर वो मिर्जावा बीच में आ गया ना। तो उसने क्या गलत किया? कम से कम वो मेरे लिए लड़ा तो सही, और आप मेरे ही भाई हो के मेरा ही मुंह बंद करा दिया और लेके चले आए। अरे तो क्या करते, एक मुसलमान के कहने पर पांडे जी के लौंडे से लड़ जाते है? और वैसे भी राजन का गलत किया, वो तो वही किया जो एक पति पत्नी के बीच में होता है, वो थोड़ा पहले कर दिया। हमें कहते हुए शर्म आती है गुड़िया, पर हमारी गुड़िया है इतनी सुंदर कि कोई भी पागल हो जाए। वो ससुरे का कंट्रोल ही फेल हो गया। तू अपना मुंह ठीक कर, चाय पी। हाँ ले देख, दो दिन बाद रक्षाबंधन, तू सोच ले, बता दे का लेगी हम लोगों से, हम तीनों भाई तीनों लोग तेरे कदमों में लाकर रख देंगे। ये देख रॉन्ग टाइम पे फोन। हेलो हेलो नमस्कार पांडे जी। अरे भाई शुक्ला जी ठीक है ना? हमरी बहुरिया परेशान हो गई थी बेचारी। वैसे हम आ रहे हैं अपने इस नालायक को लेकर, माफी मांगेगा जूली बिटिया से। हाँ पांडे जी ये ठीक रहेगा, इससे जूली को भी थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी। तसल्ली मिल जाएगी। चुप हैं? नहीं नहीं आपसे नहीं, बोलिए ना। वैसे शुक्ला जी इस मामले को तूल दिया उस मिर्जा ने, और निकल भी गया हमारे हाथ से, हमारे इकलौते गवाह इस्लाम को गोली मार के। क्या कहे? राजन आ रहा है तुमसे माफी मांगने बबुनी, अब जो भी तुम्हारी शिकायत है उससे कहना, डांटना उसे, नाक रगड़वाना पांडे जी के बेटे से अपने सामने, ठीक है? रे नकुल। हाँ भैया। मिर्जवा भाग गया रे, उसके मामा पे नजर रखो।
हाथ ऊपर और चल लीजिए। जानती हमने मनीमन देवी माँ से क्या मांगा? हाँ, हमने कहा कि जूली हमेशा हमेशा खुश रहे। हमने तो माफ़ी भी मांगी। हमने कहा कि माँ हम कितने बड़े गधे हैं। प्रणाम। अब पता है हमने कहा कि अपने को मन में हमने खूब सारे थप्पड़ भी मारे। यहाँ यहाँ समझी। जानती हो माँ विंध्याचल मनी मन हमसे बहुत खुश थी। कह रही थी बेटा राजन मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूँगी और तुम जूली की करना। ऐसा कहा उन्होंने है ना? राजन पांडे तुम? हाँ हम मिर्जा। वही मिर्जा जिसने तुम्हारे चचा उदय प्रताप को मारा था। वो नहीं जो बेचारा हमारी जगह जेल में बंद है। जानती हो मोहतरमा सबसे बड़ा तुम्हारा ससुर है। उसी ने हमें सुपारी दी थी अपने भाई को मारने की ताकि उसकी हमदर्दी सुंदर को मिले और ये इलेक्शन जीत जाए। हम तो खामा खा फंस गए तुम्हारे चक्कर। मोहब्बत है ही चीज। चारों तरफ संगीने तनी फिर भी आप पहुंचे हैं यहां अपनी जान जोखिम में डालकर। शायद तुम्हें हमारी जरूरत होगी पर तुम इसके साथ पिकनिक मना रहे हो। खुश हो करो जो तुम्हें करना है लेकिन अब हमें निकालो इस मुसीबत से। कैसे? बोल अपने इस बलात्कारी पति को कि जहां हम कह रहे हैं वहां हमें छोड़े नहीं तो शादी से पहले ही विधवा हो जाओगी तुम। मिर्जा भाई अरे आपकी गाड़ी है आप जा मानो ले जाइए हमें तो जाने दीजिए चले चलो। कैसे छोड़ दे तुम्हें? तुम दोनों तो जमानत हो हमारी। गाड़ी स्टार्ट कर चल। भैया जी कहाँ छोड़े आपको? जहां तक तुम्हारे बाप के छोड़े हुए कुत्ते ना पहुंच सके। गाड़ी स्लो करो साइड में लगा। हाँ गाड़ी साइड में लेगा जल्दी कर। करता हूँ करता हूँ। बाप को बोल कि मिर्जा जी को छोड़ने जा रहे हैं। हाँ पापा। हाँ भाई माफी पूरी हुई कि नहीं क्या कुछ और प्लान बना लिया है, है? आ जाओ। नहीं वो मिर्जा भाई को छोड़ने जा रहे हैं। मिर्जा। हाँ पापा। क्या करें पांडे
तूने हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, हाँ? इसलिए अब तेरा बेटा और बहू छोड़ेंगे हम। एक काम कर, अपने पुलिस को बोल कि हमारा पीछा करना छोड़े और ना ही तेरी गाड़ी की तलाशी ले, वरना हमें चाहे जो, तेरा बेटा तुझे जिंदा नहीं मिलेगा। अरे मिर्जा, अरे मर जाए, खून निकल रहा है ना? फोन फेंक दिया, जरूरत नहीं है उसकी। चल भैया फोन, पुलिस को फोन करो, उसे बोलो निकल लेना था उसे। नहीं नहीं पुलिस नहीं, पुलिस नहीं, उसके चक्कर में हमारे बेटे की जान चली जाएगी, इसलिए जाने दो उन्हें जहाँ जा रहे हो। और हमारी बहन? तुम्हारी बहन के चक्कर में तो ये सब कुछ हो रहा है, हो सकता है अपनी बेगम बना उसको। ए पांडे, ए नकुल, सवाल तू से बात कर रहा है यार। बहन है हमारी नकुल, उसकी तो उंगली उठी ना, तो उंगली उठा ही नहीं। अबे चल पकड़ो इसको भी। ए पांडे, तुम्हारे चक्कर में हमारी इज्जत का छीछा लेदर हो रहा है, चुनावी लालच में शादी ना अटकाए होते तो सब बर्बाद ना होता। क्या करें जी, जूली हमारी बहन, उसे हम वापस लाएंगे। चलो जी बंदूक निकालो, भाग के जाएगा कहां? और इतनी गोली मारेंगे कि मधुमक्खी के छत्ते में भी उतने छेद नहीं होते, समझे? शुक्ला जी ये गलती मत कीजिएगा, वो मेरे बेटे को मार डालेगा। इस वक्त हमें सिर्फ हमारी बहन चाहिए, बस निकलते हैं पांडे जी। शुक्ला जी चलो रे। अरे धर्मराज, अरे इनको रोको यार कोई। अरे मैं हूं ना, मैं करूंगा ना सब कुछ। धर्मराज पिस्तौल भी लिए हो ना? अरे सुनो मेरी बात सुनो यार, देखो देखो धर्मराज, मैं